अगर नॉर्थ साउथ लगाते हैं, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ की तरफ को प्लांट टू प्लांट गैप लगाते हैं, तो इस सूरज की रोशनी पूरे वृक्ष की पूरी लाइन को मिलेगी, ऊपर यहाँ मिल रही है ना, ऊपर आएगा, फिर जब इधर जाएगा तो फिर पड़ेगी, इधर भी मिलेगी, इधर भी मिलेगी, जो इसकी छांव है वो कहाँ जाएगी, इसके तने तक, इसके तने तक जाएगी ज्यादा से ज्यादा, और आगे वालों की भी ऐसे ही जाती रहेगी तने तने तक, इसको भी मिलेगा सूरज, इसको भी मिलेगा, पूरी की पूरी 20 रो को, जब सुबह जाएगा तब भी सबको मिलेगा, पर सबको मिलेगा, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा सूरज है, जैसे बोलते हैं कि यहाँ तो सनलाइट बहुत है, जब मिलेगी नहीं सनलाइट तो ज्यादा कहाँ से मिलेगी, उसका कारण होता है कि एक साल आपके सेब हो गए जिसके ज्यादा घना बगीचा है, एक साल खूब सेब होंगे, दूसरी साल सेब भी नहीं होंगे, जैसे हमारे को सनलाइट जरूरी है, ओ क्या नाम, चिलिंग आवर्स जरूरी है, सन आवर्स भी जरूरी होते हैं, उससे मानो 1200 चिलिंग आवर्स जरूरी है इसके लिए, क्या नाम, रॉयल के लिए, तो बाद में क्या होता है 1200 चिलिंग आवर अगर पूरे नहीं हुए, 1100 हुए, 1000 हुए, तो फर्क पड़ जाता है, उसी तरह से सन आवर्स अगर पूरे ना हो उसमें भी फर्क पड़ेगा, वो तो नेचुरली तीसरी साल टूट जाएगा, ये फर्क होता है इसका, इसलिए जरूरी है सूरज, सूरज से ही क्वालिटी बनेगी, कलर और बर्ड फॉर्मेशन सब कुछ सूरज की रोशनी से मिलेगा, ये वाली जो प्रूनिंग बताई है, जो हमारे पुराने पेड़ है उसमें गड़बड़ हो गया है उसको सुधारने के लिए यही है, और जो नए पेड़ है उसमें हम शुरू से ही अगर ऐसी कटिंग करें, इसी पे ही एक उस पे ही बीमा आए, पूरा सूरज मिलेगा, इस पे भी पूरे नीचे से इस पे ही बीमा